बाकी लोग अपना अभ्यास करो। बिजनेस इकोनॉमिक्स ठीक है, जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं ठीक है वो आज कवर करो, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अच्छा तुम लोगों के बोलने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जैसे क्लास चलता है वैसे ही चलता है, समझ गए। सेकंड इज मोनोपोली ठीक है, फिर उसके बाद मोनोपोलिस्टिक और फोर्थ ओलिगो पॉली ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन ठीक है। अगर एग्जाम में वेरी शॉर्ट में आता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो हम क्या लिखेंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिर्फ डेफिनेशन लिख देंगे। परफेक्ट कॉम्पिटी और कॉम्पिटिशन की डेफिनेशन क्या है आप बताओ सर? नहीं हिंदी में कुछ नहीं, इंग्लिश में ही लिखना है तो हमें वैसे ही। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज बाय कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिवेलिंग अमंग द इंडिविजुअल फर्म्स। बात समझ में आ गई? और शॉर्ट में आता है तब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन भी लिखेंगे प्लस फीचर्स भी लिखेंगे। और लॉन्ग में आता है तब क्या करेंगे हम, डेफिनेशन फीचर एंड प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन ठीक है। प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन में क्या होगा, प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ठीक है। जैसे हम लोगों को हेडिंग डालना पड़ेगी प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में तीन कर्व बनेंगे, कौन कौन से, आरिश लॉस ठीक है। तो अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन लॉन्ग में आता है ठीक है, तो हमें प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन वाला क्वेश्चन भी ऐड करना होगा ठीक है। प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में तीन कर्व बनेंगे, कौन कौन से, एब्नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉन्ग। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लॉन्ग रन में कौन सा कर्व बनेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है, ये भी हमें चीजें ध्यान रखना है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोली के लॉन्ग रन में बोलो मुश्रा, तुम लोग इतना मतलब लास्ट मोमेंट चल रहा है तब भी तुम लोग को ये चीजें क्लियर नहीं है। एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि हाई फाई प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है चलो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के शॉर्ट रन एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा या उसको लॉस भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ये लिखते जाओ परफेक्ट कॉम्पिटिशन के शॉर्ट रन, या तो एक फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा या नॉर्मल प्रॉफिट होगा या लॉस भी हो सकता है। जब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम प्रॉपर लेबलिंग नहीं कर लेते ठीक है। पॉइंट ऑफ पोजीशन x
y एक्सिस, नीचे हम क्या ले रहे हैं x एक्सिस पे क्वांटिटी और ऊपर क्या ले रहे हैं टाइम, और हम कौन से कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और होमोजेनियस प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो ये प्राइस कर्व भी होता है, एवरेज डिमांड कर्व भी है और ये मार्जिनल डिमांड कर्व भी है। बात समझ पा रही है, इसमें एवरेज डिमांड और मार्जिनल डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। इतना बना लिया, ठीक है। अगर हमें ये हम कौन सा कर्व पढ़ रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट का, ठीक है। अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव फर्म को, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो एवरेज कॉस्ट नीचे रहेगी एवरेज रिवेन्यू से। बात समझ पा रही है, ये एवरेज रिवेन्यू कर रहे हैं और ये एवरेज कॉस्ट, यानी कि हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है एवरेज रिवेन्यू से, ठीक है। तो एवरेज रिवेन्यू से एवरेज कॉस्ट हमेशा नीचे रहेगी इन केस ऑफ एबनॉर्मल, ठीक है। एवरेज वाली कोई भी चीज डाउन हो रही है तो मार्जिनल उससे पहले डाउन हो जाती है, अगर वो राइज हो रही है तो उससे पहले राइज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन रिमेन सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। चाहे हम बात करें परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, चाहे हम बात करें मोनोपोली की, चाहे मोनोपोलिस्टिक की, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट किसके ऊपर होती है, मार्जिनल रिवेन्यू, यह हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है, ठीक है। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू को कहां पे कट कर रहा है, यहां पे, ठीक है। हमें अब क्या देखना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू को कहां पे कट करेगी। ये मार्जिनल कॉस्ट है और ये मार्जिनल रिवेन्यू है, ये बात ध्यान रखना। बच्चे यही गलती करके आते हैं, एवरेज कॉस्ट देख लेते हैं या एवरेज रिवेन्यू देख लेते हैं, हमें क्या देखना है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट ये, मार्जिनल रिवेन्यू ये कहां से कट कर रही है, एक लाइन यहां पे ड्रॉ करो, यहां पे क्यू लिखो क्वांटिटी। बात समझ में आ गई, अब हमें वो क्वेश्चन डिटरमाइन करना है, कौन सा क्वेश्चन, एब्नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एब्नॉर्मल प्रॉफिट कहां पर है, यानी कि मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रिवेन्यू को यहां से कट कर रहा है और ये लाइन जहां एसी को टच करेगी वो पोर्शन हमारा कौन सा होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट का, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये पी होगा और ये पी वन होगा, ये ई पॉइंट होगा और ये ई वन होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को भी प्रॉफिट अचीव करना है, हाई फाई प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट अचीव करना है, that they have to also lower down the prices, ठीक है। P से P1 उसने कम कर दिए प्राइस, इतना ही हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। बस वीडियो पॉज करो, बना ये हो गया सबका, अब लॉस प्रॉफिट के केस में एवरेज कॉस्ट,
प्रॉफिट के केस में एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू को नीचे से कट करेगी, लॉस के केस में एवरेज रिवेन्यू के ऊपर चली जाएगी और नॉर्मल प्रॉफिट में टच करते हुए जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं लॉस। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन रिमेंस द सेम, मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रिवेन्यू को इक्वल होगी और लॉस के केस में एवरेज लॉस कहां से जाएगी, टच करते हुए जाएगी या ऊपर से जाएगी, ऊपर से। ठीक है, एवरेज कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है इसलिए हमें लॉस होता है। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट डाउन जा रही है तो मार्जिन रन उससे पहले बस। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या होगा, मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रिवेन्यू को इक्वल यहां पे होगा, ये मार्जिन कॉस्ट है और ये मार्जिन रिवेन्यू है, यहां पे कट कर रहा है ना ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को नीचे तक लाओ, पहले क्यों लिख दो, इसको ऊपर तक एसी को टच करवाना होता है। ठीक है, और एसी से ये एरिया आपका कौन सा आ गया लॉस, इसका मतलब क्या होगा, ये पी होगा और ये पी वन होगा, ये ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस इज ई वन। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव को आपने सोचा कि हम अपने प्राइस पी से पी वन करते हैं, इंक्रीज कर दिए तो उतना ही परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को लॉस हो गया। ठीक है, हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एवरेज वैल्यू से ज्यादा हो गई। ठीक है, और वो कौन बनाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट बुशराज। प्रॉपर मार्किंग करना बेटा, ये लाइन यहाँ तक आई, यानी कि इतने प्राइस पे हम इतनी क्वांटिटी सेल करेंगे। बात समझ में आ गई, देखो नॉर्मल प्रॉफिट पे एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू को टच करेगा, लॉस में एवरेज कॉस्ट ऊपर चली जाएगी और प्रॉफिट में एवरेज कॉस्ट नीचे जाएगी। ठीक है, अब चलो मोनोपोली समझ में आ गया। नहीं, मोनोपोली से पहले एक बात और समझ लो, ये हम लोग पढ़ रहे थे शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्या क्या होगा, एब्नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है फर्म को, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। और लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो यही वाला ग्राफ हमें दो बार बनाना है, एक तो शॉर्ट टर्म में बनाना है, शॉर्ट टर्म में तीन कर बनेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, और लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट वाला कर दोबारा रिपीट करना है। ठीक है,
देखो मोनोपोली आता शॉर्ट में आता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है या वेरी शॉर्ट में आता है। अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो मोनोपोली हम क्या करेंगे, डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देंगे और ये एक्सप्लेन करेंगे बोनस वर्ड कहाँ से लिया गया है, उसका मतलब क्या होता है और पोलस का मतलब क्या होता है। मोनस मीन्स सिंगल, पोलस मीन्स सेलर, ठीक है। एस मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर, ठीक है। और एक डेफिनेशन लिख देंगे, एक दो फीचर्स लिख देंगे, ठीक है। शॉर्ट में आता है तब मोनोपोली की डेफिनेशन मीनिंग और उसके सारे फीचर्स लिख के आएंगे, ठीक है। और लॉन्ग में आता है तो मीनिंग एंड डेफिनेशन, उसके बाद सारे फीचर्स और प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन, जिसमें कर्व आएगा, ठीक है। प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन अगेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन में 3 कर्व बनेंगे मोनोपोली में भी, और लॉन्ग रन में 1 कर्व बनेगा एबनॉर्मल प्रॉफिट का, ठीक है। चलो ये हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट रन, इसके मोनोपोली का शॉर्ट रन, और वो भी कौन सा प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। साथ साथ बनाते रहो, कंफ्यूज मत होना। अगर तुम लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो तो स्टेप है स्टेप लिख लो कि 1 नंबर पे ये बनाया, ए सी लाइन बनाई दूसरे नंबर पे, ठीक है। बच्चों की तरह क्वांटिटी और प्राइस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी दिया, वाई एक्सिस पे प्राइस दिया, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये एग्जाम में लिख कर आना, खाली छोड़ दोगे तो इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू ये एक ही कर्व का, यहाँ क्यों, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स में सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ मोनोपोली में सिर्फ अकेला सेलर है, ठीक है। तो उसका एवरेज रिवेन्यू कर्व जो है वो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है, बाकी सारी चीजें सेम होती है, ठीक है। अगर मोनोपोली फर्म हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रिवेन्यू को नीचे से कट करेगा। बात समझ आ रही है, यही तो हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे से, ठीक है, इसके एवरेज रिवेन्यू में, ठीक है। और हमें लॉस हो रहा है तो एवरेज कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, और नॉर्मल प्रॉफिट में क्या था, बस टच करते हुए जाएगी। बस डिफरेंस क्या है कि एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गए यहाँ पे और अलग अलग हो गए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है अगर मोनोपोली फर्म को ज्यादा सेल करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसको भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस रिड्यूस करना पड़ेंगे, ठीक है, तभी वो ज्यादा परचेज करेंगे। बात समझ में आ गई, अब एवरेज कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री को नीचे से कट करेंगे, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एवरेज यानी कोई भी चीज डाउन हो रही है तो मार्जिनल उससे पहले डाउन होगी, और ये राइज होना स्टार्ट होगी तो वो उससे पहले राइज होगी। बात समझ में आ गई, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन इसके भी सेम है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू को यहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहां पे क्यों लिख दो, या ये लाइन आगे बढ़ाना है, यहां पे एसी को टच कर रही है, ठीक है, ये एसी है और ये AR को जहां पे टच कर रही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां से ये पोर्शन हमें निकालना है, किसका, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ,
ये P होगा और ये P1 होगा, ये P होगा और ये E1 होगा, ठीक है। यानी कि मोनोपोली फर्म ने अपने प्राइस, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस कर दिया, P से P1 कर दिया, ठीक है, उतना ही उसको प्रॉफिट, हाई फाई प्रॉफिट। आज समझ में आती बना लिया, समझ में आया? दोबारा बताओ, दोबारा देखो, फिर से देख रहे हो, ये एवरेज वैल्यू, ये मार्जिनल वैल्यू, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि एब्नॉर्मल प्रॉफिट का खर्च अगर हम बना रहे हैं, कौन सा प्रॉफिट? एब्नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि हाई फाई प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट एवरेज वैल्यू को नीचे से खर्च करेंगे, ये एवरेज कॉस्ट हो गया। अब एवरेज वाली कोई भी चीज डाउन जा रही है तो मार्जिनल उससे पहले डाउन चली जाती है, और ये राइज हो रही है तो उससे पहले राइज हो जाती है, ठीक है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या है? मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल वैल्यू के इक्वल यहाँ पर होगी, तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल वैल्यू को यहाँ पे कट कर देंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, मोनोपोली में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, आराम से कंबाइन करना है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल वैल्यू को कहां पर कट कर देंगे, इधर उधर के पॉइंट मत देखना। यानी कि ये मार्जिनल कॉस्ट एसी को कट कर देंगे, ये मार्जिनल कॉस्ट एआर को कट कर देंगे, ये एवरेज कॉस्ट एआर को कट कर देंगे। हमने ऐसा तो लिखा ही नहीं है, हमने क्या लिखा है? मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल वैल्यू को यहां पे कट कर देंगे, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल वैल्यू को यहां पे कट कर देंगे। ये क्यों होगा? इस लाइन को ऊपर तक ले आ रहा है, जहां पे एसी और एआर को टच कर देंगे, ठीक है। ये सी एसी हो गई और ये एआर हो गया, और ये पॉइंट आपका आगे समझना। नाउ लॉस, वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, x एक्सिस पर क्या लेंगे? क्वांटिटी, और y एक्सिस पर क्या लेंगे? प्राइस, ठीक है। अब हम कौन सा प्रॉफिट पढ़ रहे हैं या लॉस पढ़ रहे हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट है या लॉस है या नॉर्मल प्रॉफिट? लॉस वाला किससे? शॉर्ट टर्म मोनोपोली के शॉर्ट टर्म, कौन सा? लॉस, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू का, ये मार्जिनल वैल्यू का, ठीक है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? मोनोपोली में शॉर्ट टर्म में लॉस की, ठीक है। जब भी लॉस होता है तो एवरेज कॉस्ट, यानी कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो एवरेज वैल्यू से ज्यादा होता है, बात समझ में आ रही है? यानी कि लागत ज्यादा हो जाती है जितना अर्न कर रहे हैं, जितना हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा लागत लगती है, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है, इससे बढ़ गई एवरेज वैल्यू से ज्यादा हो गई, बस सिंपल सी बात है। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा? टच करते हुए जाएगी एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज वैल्यू से नीचे रहेगी, ठीक है। अब मार्जिन कॉस्ट ये आएगा, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है ये सवाल का, मार्जिनल कॉस्ट ये मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर क्यू लिख दो और इस लाइन को ऊपर तक ले आना, जहां पर ए आर और ए सी को टच करेगी, ठीक है। ये एरिया आपका क्या हो गया? लॉस,
लॉस के केस में पी पी वन भी चेंज होंगे, ठीक है, ये पी हो जाएगा और ये पी वन हो जाएगा, ये पी वन होगा और ये पी होगा, क्यों होगा, क्योंकि मोनोपोली फॉर्म में पहले प्राइस पी थे बढ़ाकर पी वन कर, तो उतना ही मोनोपोली फॉर्म को लॉस होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन?